अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद अगर आपका एनालिसिस थोड़ा बहुत गलत भी निकल जाता है ना तो भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपने स्ट्राइक प्राइस ही गलत सेलेक्ट कर ली उसके बाद अगर आपका एनालिसिस बिल्कुल सही भी होगा तो भी आपको लॉस हो सकता है। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना ये आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और इसके साथ ही आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सही स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी चाहिए ये समझने से पहले थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है ताकि सभी को आसानी से ये कांसेप्ट समझ आ सके। तो स्ट्राइक प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जिसमें आप पुट या कॉल ऑप्शन को बाय या सेल करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अभी आपका निफ्टी चल रहा है 20,000 पर, तो ये जो 20,000 है ये क्या है, ये CMP यानी करंट मार्केट प्राइस है जिस पर अभी निफ्टी हमारा चल रहा है। तो अब अगर आपका मार्केट को लेकर बुलिश व्यू है और आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो वहां पर आप कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे, वहां पर आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। लेकिन इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप हो सकता है कि 20,000 का ही कॉल ऑप्शन बाय करें या फिर 20,100 का कॉल ऑप्शन बाय करें, 200 का कॉल ऑप्शन बाय करें या 300 का कॉल ऑप्शन बाय करें। और इवन आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो 19,900 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, यानी ये सारे ऑप्शन हैं। तो आप जिस प्राइस का कॉल या पुट ऑप्शन बाय करेंगे उसको स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। इस एग्जाम्पल में हम मान के चल रहे हैं कि आपका मार्केट को लेकर बुलिश व्यू है, यानी आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो वहां पर आप क्या बाय करते हैं, वहां पर आप CE यानी कॉल यूरोपियन, जिसको हम सिंपली कॉल भी कहते हैं, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। तो हम पहली चीज ये मान के चल रहे हैं कि आपका मार्केट को लेकर बुलिश व्यू है और आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। दूसरी चीज हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट अभी 20,300 पे चल रहा है। यहां पर हम 20,300 इसलिए मान रहे हैं ताकि आपको ईजिली समझ आए। मुझे भी पता है कि अभी मार्केट 21,600 पे चल रहा है, लेकिन आपको ईजिली समझ आए इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं। तीसरी चीज हम क्या मान के चल रहे हैं, हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि आप जिस एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं वो है वीकली एक्सपायरी, यानी आप वीकली एक्सपायरी में अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि मार्केट इस बार जो एक्सपायरी होगी उसमें 20,600 पर जाकर क्लोज होगा, यानी आपका जो टारगेट है वो 20,600 का है एक्सपायरी के टाइम तक। तो अब अगर निफ्टी 20,300 पे है और आपको लगता है कि निफ्टी 20,600 पर जा सकता है तो आपके पास कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास, आपको पता है कि मार्केट अभी 20,300 पे चल रहा है तो आप 20,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो ये कौन सा कॉल ऑप्शन होता है, ये होता है ATM यानी एट द मनी ऑप्शन। अब इसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आपको पता है कि मार्केट 20,600 तक जा सकता है जो कि आप मान के चल रहे हैं, तो आप चाहें तो 20,400 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 20,500 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 20,600 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये तीनों ही कॉल ऑप्शन मेंशन करके हैं, और क्योंकि 20,400 अभी आया नहीं है, 500 अभी आया नहीं है, 600 अभी आया नहीं है, तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन अभी आए नहीं है इसलिए इन्हें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कहा जाता है। अब इन दोनों के अलावा आप चाहें तो 20,200 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, भले ही मार्केट 20,300 पर है, लेकिन ये ऑप्शन होता है कि आप 20,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर लो, आप चाहे तो 20,100 का कर लो, 20,000 का कर लो, और इवन 19,900 एंड उससे पहले के भी आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी स्ट्राइक प्राइस को चूज करने के लिए। तो अब आप इनमें से कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे और उसका क्या बेनिफिट होगा या क्या नुकसान होगा, चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप 20,300 बाय करेंगे, 20,100 बाय करेंगे या 20,200 बाय करेंगे तो उसके लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, यानी कितने पैसे देकर वो ऑप्शन आप खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर प्रीमियम का फॉर्मूला लिख रखा है, और इसका फॉर्मूला होता है IV यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। आप देखिए, जब भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं और उस ऑप्शन को बाय करने के लिए आप जो प्रीमियम पे करते हैं ना, उस प्रीमियम में बेसिकली दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है टाइम वैल्यू।
इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन टाइम वैल्यू के बारे में आपको बता दूं कि एक ऑप्शन को एक्सपायर होने के लिए जितना टाइम बचा है, चाहे एक दिन बचा है, दो दिन बचा है, चार दिन बचा है या पांच दिन बचा है, तो जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम पर कोई न्यूज आ सकती है जिस वजह से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है, तो ये जो टाइम है इस टाइम की भी आपको एक वैल्यू पे करनी होती है, तो इसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। तो अब हमें यह पता करना है कि अलग अलग एक्सपायरी पे आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो मार्केट है वो 20,300 पर है, तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप 20,300 को बाय करें। तो अगर आप 20,300 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो ये क्या है हमारे लिए, ये है ATM यानी एट द मनी ऑप्शन। अब अगर आप एट द मनी ऑप्शन बाय करेंगे ना तो इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी ₹0, लेकिन इसमें टाइम वैल्यू तो होगी। तो अगर पांच दिन बचे हैं तो मैं एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूं कि इसमें जो टाइम वैल्यू है वो ₹50 है। इन एक्चुअल वो ज्यादा या कम हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूं कि ये ₹50 है। तो अब क्योंकि इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती नहीं है, इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, तो इस ऑप्शन को बाय करने के लिए आपने ₹50 का प्रीमियम देना होगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक क्वांटिटी के हिसाब से मान के चल रहा हूं। आपको पता है कि निफ्टी में आपको एक लॉट बाय करना होता है जिसमें 50 क्वांटिटी होती है, तो अगर आप 50 क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो आपको ₹2,500 पे करने होंगे, लेकिन हमें समझना है तो हम एक क्वांटिटी के हिसाब से समझ ही सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है कि अभी निफ्टी 20,300 चल रहा है, तो अगर आप 20,300 को ही बाय कर लेंगे तो ये एट द मनी ऑप्शन है जिसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है लेकिन टाइम वैल्यू होती है, जो कि हम एग्जांपल के लिए ₹50 मान के चल रहे हैं। तो अगर आप 20,300 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो आपको ₹50 देने होंगे। अब सेकंड केस लेके चलते हैं जहां पर आप 20,200 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। अब देखिए मार्केट क्योंकि ऑलरेडी 20,300 पे चल रहा है और हम 20,200 का कॉल ऑप्शन बाय करने जा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन। और क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन है और ये कितना इन द मनी है, ये ₹100 का इन द मनी है, क्योंकि मार्केट चल रहा है 20,300 और हम 20,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी ₹100 और टाइम वैल्यू हमने ₹50 मान के चल रहे हैं, तो इसको बाय करने के लिए आपने कितने रुपीज देने होंगे, आपने देने होंगे ₹150। तो अगर मार्केट 20,300 चल रहा है और आप 20,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो उसको बाय करने के लिए आपको ₹50 देने होंगे, और अगर आप 20,200 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो उसको बाय करने के लिए आपने ₹150 देने होंगे। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप 20,100 को बाय करते हैं तो ये भी इन द मनी ऑप्शन है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 20,300 चल रहा है और आप कह रहे हैं कि मार्केट 20,100 तक जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी जा चुका है ना, इसलिए वो एक इन द मनी ऑप्शन है। और ये 20,100 20,300 से कितना इन द मनी है, ये ₹200 का इन द मनी है, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी ₹200। ये जो 20,200 था ये 20,300 से कितना इन द मनी था, ये ₹100 इन द मनी था, इसलिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ₹100 थी। और ये जो 20,100 है ये 20,300 से ₹200 का इन द मनी है, इसलिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ₹200 है, और यहां पर भी टाइम वैल्यू ₹50 हम मान के चल रहे हैं, तो इसको बाय करने के लिए आपने ₹250 देने होंगे। तो अभी तक आपको काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो एक बार दोबारा से देखिए, समझिए, आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो अगर आपको यहां तक का क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आप 20,600 को बाय करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम मान के चल रहे हैं कि जो मार्केट है वो 20,600 पे जाके क्लोज होगा और हमारा मार्केट को लेकर बुलिश व्यू था। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट 20,600 पे जाकर क्लोज होगा तो सीधा 20,600 का कॉल ऑप्शन क्यों ना बाय करें, क्योंकि यही तो हम मान के चल रहे हैं। तो अगर हम 20,600 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो ये क्या है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट अभी कितना चल रहा है, मार्केट मैंने आपको बताया है कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट अभी चल रहा है 20,300 पे और 20,600 अभी वो गया नहीं है, तो ये क्या है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। अब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो जीरो होगी क्योंकि मार्केट वहां तक गया नहीं है, एट द मनी में भी जीरो होगी और आउट ऑफ द मनी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है, लेकिन यहां पर जो टाइम वैल्यू होगी वो भी कम होगी क्योंकि मार्केट को 20,600 जाने में टाइम लगेगा, तो यहां पर टाइम वैल्यू भी कम होगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने माना है कि यहां पर टाइम वैल्यू ₹20 है,
तो इस ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको सिर्फ 20 रुपीज देने होंगे। तो देखिए, अगर आप एट द मनी बाय करते हैं तो आपको 50 रुपीज देने होंगे, अगर आप इन द मनी ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको 150 देने होंगे, अगर आप और ज्यादा इन द मनी ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको 250 देने होंगे। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट 20,600 पे जाएगा, तो अगर आप 20,600 का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ही बाय कर लेंगे तो आपको सिर्फ 20 रुपीज देने होंगे। तो कहां 20 रुपए, कहां 50, 150 और 250 रुपए। और अगर आप 20 रुपए से बाय करेंगे फिर तो आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। और यही एक वजह है कि ज्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं उनका प्रीमियम कम होता है, जिस वजह से वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। वैसे यहां पर कमेंट करके बताइए कि अभी तक आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर रहे थे, एट द मनी ऑप्शन बाय कर रहे थे या इन द मनी ऑप्शन बाय कर रहे थे। और हाँ, अगर आपको ढंग से अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हमने हमारे चैनल में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल फ्री में सिखा रखा है, और इवन हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें काफी सारी वीडियोज हैं और वो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से हैं। तो अगर आप सारी वीडियोज को देख लेंगे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो हमारी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, या फिर आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी ऑप्शन ट्रेडिंग और ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने जैसा सोचा था, आप सोच के चल रहे थे कि मार्केट जो है वो 20,600 पे जाएगा, तो अगर आपने सोचा था कि मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर होगा और बिल्कुल वैसा ही होता है, तो आपके अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है इसको समझते हैं, क्योंकि इसी से हम समझ सकते हैं कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर हुआ है, तो अगर आपने 20,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो ये क्या था, ये था इन द मनी ऑप्शन। क्योंकि जब आपने बाय किया था उस टाइम पर मार्केट कहां पे चल रहा था, मार्केट चल रहा था 20,300 पर, तो ये 20,200 का क्या था, ये इन द मनी ऑप्शन था। तो अगर आपने ये बाय किया होता और मार्केट 20,600 पे जाकर एक्सपायर हुआ होता तो 20,600 माइनस 20,200, 20,200 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया था इसलिए हम माइनस कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जो ऑप्शन की वैल्यू निकल कर आती वो होती 400 रुपीज। यहां पर ध्यान रखिएगा कि मैं एक क्वांटिटी के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, आप मल्टीप्लाई विद 50 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लॉट के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ होता। तो एक्सपायरी के टाइम पर 20,200 की जो वैल्यू होगी वो होगी 400 रुपीज, लेकिन इस 20,200 के कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए आपने कुछ प्रीमियम भी दिया था, और वो प्रीमियम कितना था, वो प्रीमियम था 150 रुपीज। तो ये पैसे आपने दिए थे, तो 400 में से अगर 150 रुपीज हटा दें जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो आपको जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो होगा 250 रुपीज पर क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये आपको क्लियर हो गया है, अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे समझ आ गया है, और अगर समझ नहीं आया है तो एक बार बैक से देखिए, हर एक बात को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है और जितने आसान तरीके से समझाया जा सकता है उतने आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब एक दूसरा केस मानते हैं, अगर इसकी जगह पर आपने 20,300 बाय किया होता, तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 20,300 पे था और आपने 20,300 को ही बाय किया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ ATM यानी एट द मनी ऑप्शन। तो अब अगर आपने 20,300 को बाय किया होता और मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर होता तो वहां पर आपको कितना प्रॉफिट होता, ये निकालने के लिए हम 20,600 को 20,300 से माइनस कर देंगे, तो हमारे सामने निकल कर आया 300 रुपीज, यानी आपके जो ऑप्शन की वैल्यू होती वो 300 रुपीज होती। लेकिन इसको बाय करने के लिए भी आपने कोई पेमेंट की थी, और वो पेमेंट कितनी थी उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपने 50 रुपीज पे किए थे, क्योंकि 20,300 में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यहां पर सिर्फ टाइम वैल्यू है जो कि 50 रुपीज थी, तो इसलिए आपने 50 रुपीज पर क्वांटिटी के हिसाब से पे किया था। तो अगर आपने 20,300 का एट द मनी ऑप्शन बाय किया होता तो 300 रुपए उसकी वैल्यू होती, 50 रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, तो यहां पर भी आपको 250 रुपए का प्रॉफिट होता। अब देखिए, आपके एनालिसिस से तो आपको लग रहा था कि मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर होगा, तो अगर आप 20,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेते तो 20,600 उस टाइम पर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट कितना चल रहा था, मार्केट चल रहा था 20,300, तो वो OTM यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था। तो अगर आपका एनालिसिस बिल्कुल सही निकलता, मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता, तो देखिए आपने 20,600 पे बाय किया होता और मार्केट 20,600 पे ही एक्सपायर हुआ होता, तो उस ऑप्शन की वैल्यू पता कितनी होती, वो होती 0 रुपीज, क्योंकि इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, और
और जब मार्केट में एक्सपायरी हुई तो टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाती है, तो इस ऑप्शन की वैल्यू होती है जीरो। वैसे एग्जैक्ट जीरो नहीं होती है, आपको बता दूं कि ये होगी 0.05 रुपीज, लेकिन फिर भी उसको जीरो ही समझ लीजिए, क्योंकि कितनी भी क्वांटिटी होगी वो 2-4 रुपए से ऊपर नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा तो आप ब्रोकरेज पे कर चुके होंगे। तो अब देखो इस ऑप्शन की वैल्यू तो 0 रुपीज हो चुकी है, लेकिन इसको बाय करने के लिए आपने कोई ना कोई प्रीमियम पे किया था, और वो प्रीमियम था टाइम वैल्यू, जो कि आपने 20 रुपीज पे किया था। तो आपके जो ऑप्शन की वैल्यू है वो हो चुकी है 0 रुपीज, और आपने 20 रुपीज पे किए थे, तो यहां पर आपको पर क्वांटिटी में 20 रुपीज का लॉस होगा। नीचे लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बड़ी मुश्किल से लिखा है, तो को मैनेज कर लीजिएगा, यहां पे 20 रुपीस का आपको लॉस होता। तो समझिए कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था, आपको लगता था कि मार्केट 20,600 पे जाकर एक्सपायर होगा, और मार्केट 20,600 पर जाकर ही एक्सपायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने 20,600 का ही कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो आपको लॉस हो जाता। यानी इस केस में आपका एनालिसिस तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बावजूद आपको लॉस हो गया। तो अब अगर मान लो कि आपका एनालिसिस गलत निकलता, आपने सोचा था कि मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर होगा, अगर मार्केट 20,500 पर ही जाकर एक्सपायर हो जाता तब क्या होता, चलिए वो समझ लेते हैं। यहां पर ध्यान रखिए कि यहां पर आपका एनालिसिस सही था, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय किया होता तो आपको लॉस होता। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट की जो एक्सपायरी है वो 20,500 पे हुई है, तो अगर मार्केट 20,500 पे एक्सपायर होता है और आपने 20,200 को बाय किया होगा, आपने कॉमेंट करना है कि ये 20,200 कौन सा ऑप्शन है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, एट द मनी ऑप्शन था, या इन द मनी ऑप्शन था जब हम इसको बाय कर रहे थे, ये अभी के अभी कॉमेंट कर लीजिएगा। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट 20,200 पे एक्सपायर होता, तो देखिए 20,200 और 20,500 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहां पर 300 रुपीज का डिफरेंस है, तो इस ऑप्शन की वैल्यू एक्सपायरी के टाइम पर 300 रुपीज होती। अब इसको बाय करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, आपने इसको बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी 150 रुपीज की। तो अगर मार्केट 20,500 पे एक्सपायर होता है और आपने 20,200 बाय किया होगा, तो इसकी वैल्यू 300 रुपीज हो जाएगी, और आपने इसको बाय करने के लिए 150 रुपीज दिए हैं, तो यहां पर आपको 150 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आपने 20,300 बाय किया होता, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट 20,300 पे ही चल रहा था, और आप 20,300 ही बाय कर लेते, तो आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होता, तो देखिए मार्केट एक्सपायर हुआ है 20,500 पे, तो 20,500 माइनस 20,300 इज इक्वल टू 200 रुपीज। तो अगर आपने 20,300 का कॉल ऑप्शन बाय किया होता और मार्केट 20,500 पे जाके एक्सपायर होता, तो आपके जो ऑप्शन की वैल्यू होती वो होती 200 रुपीज एक्सपायरी के टाइम पर, लेकिन इसको बाय करने के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी और वो इन्वेस्टमेंट थी 50 रुपीज। एक बार आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि 20,300 को बाय करने के लिए आपने 50 रुपीज दिए थे, क्योंकि इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, इसमें थी टाइम वैल्यू, जो कि हम 50 रुपीज मान के चल रहे हैं। तो अगर आपने 50 रुपीज पे किए होते तो यहां पर भी आपको 150 रुपीज का प्रॉफिट होता, बट क्योंकि आपको लग रहा था कि मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर होगा, तो अगर आप 20,600 को ही जाकर बाय कर लेते तो मार्केट तो 20,500 पर ही जाकर एक्सपायर हो गया, तो यहां पर इसके ऑप्शन की वैल्यू भी जीरो हो जाती, क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकती, और वहां पर भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि जीरो की जगह पर वो 0.05 रुपीज होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाती जीरो। लेकिन इसको बाय करने के लिए भी आपने 20 रुपीज दिए थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो इसकी जो टाइम वैल्यू होगी वो कम होगी, तो इसको बाय करने के लिए आपने 20 रुपीज दिए होंगे, लेकिन इसकी वैल्यू हो चुकी है जीरो, तो इस केस में भी आपको 20 रुपीज का लॉस हो गया होता पर क्वांटिटी के हिसाब से। तो देखिए यहां पर अगर आप गलत साबित हुए होते, उसके बावजूद आपको दो केस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में लॉस हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करेंगे तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस होंगे, इसलिए जनरली आपको एट द मनी ऑप्शन या इन द मनी ऑप्शन बाय करना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उसका जो प्रीमियम होता है वो कम होता है, तो वो कम प्रीमियम के चक्कर में कि ज्यादा क्वांटिटी खरीद लूंगा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, पहले तो मैं कहूंगा कि मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, एट द मनी ऑप्शन को बाय कीजिए वो सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आप इन द मनी ऑप्शन को बाय करेंगे तो वो और बेस्ट रहेगा। बट फिर भी अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसको आपने ज्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है, क्योंकि वो जो ऑप्शन है वो तो हर केस में जीरो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आपका एनालिसिस सही भी निकलता है ना, तो भी जो OTM ऑप्शन है वो तो जीरो हो ही जाएगा, जबकि अगर आपने ITM या ATM ऑप्शन बाय किया होगा, और ऐसे में अगर आपका एनालिसिस थोड़ा बहुत गलत भी निकलता है,
जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मान के चल रहे थे कि मार्केट 20,600 पे जाके एक्सपायर होगा, लेकिन उसकी जगह पर अगर वो 20,500 पे भी एक्सपायर होता है और मार्केट जब 20,300 पे चल रहा था तब आपने ATM ऑप्शन बाय किया होता तो तब भी उस केस में आपको प्रॉफिट हो जाता। तो सबसे बेस्ट है कि आप एट द मनी ऑप्शन को बाय करें, और अगर आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप इन द मनी ऑप्शन को बाय करें। अब यहां पर तो हम मान के चल रहे थे कि आपका मार्केट को लेकर जो व्यू है वो बुलिश है, और अगर आपका मार्केट को लेकर व्यू बेयरिश है तो इस जगह पर आप कॉल नहीं बल्कि पुट ऑप्शन बाय करते हैं, और यहां पर OTM और ATM जो है वो भी बदल जाता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए। तो अब ये वाला जो एग्जांपल है, ये इससे पहले जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो इसको मैं बहुत फास्ट तरीके से बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर हमारा जो व्यू है वो बेयरिश है। अब जब हमारा व्यू बेयरिश होता है तो वहां पर हम PE यानी पुट यूरोपियन, जिसको हम सिंपली पुट कहते हैं, उसको बाय करते हैं। तो हम यहां पर भी मान के चल रहे हैं कि मार्केट अभी 20,300 पे है, और इसमें भी जो हम एक्सपायरी मान के चल रहे हैं वो वीकली एक्सपायरी है, और यहां पर हमारा जो टारगेट है वो 20,000 का है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो गिर कर 20,300 से नीचे ही जाएगा, तो हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट एक्सपायरी के टाइम पर गिर कर 20,000 पे आ चुका होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा वो आएगा OTM एंड ATM में। अब देखिए, मार्केट 20,300 पे है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो 20,300 तो हमारे लिए ATM ही रहेगा, जैसा कॉल वाले केस में हमने आपको बताया था। लेकिन यहां पर जो ITM और OTM है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, तो अभी मार्केट ने गिरना बाकी है, तो 20,300 से पहले के जितने भी ऑप्शंस हैं वो इस केस में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो जाएंगे, जबकि कॉल के केस में ये इन द मनी ऑप्शन थे, जबकि इस केस में 20,400 से बाद के जितने भी ऑप्शन हैं वो इन द मनी ऑप्शन होंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो 20,400 से ऑलरेडी कम है, और हम तो कह रहे हैं कि मार्केट 20,000 पे जाएगा, तो इस केस में 20,300 हमारे लिए ATM होगा, उससे बाद के जितने भी ऑप्शन होंगे वो ITM होंगे, और उससे पहले के जितने भी ऑप्शन होंगे वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होंगे। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में सीखना है, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, तो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है और बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं, तो उसको पक्का देखिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके अगर ये नहीं बताया कि आप कहां पे ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, या फिर किसी स्टॉक में करते हो, तो ये भी हमें बता दीजिए, हम उस हिसाब से आगे की वीडियोस प्लान करेंगे। तो पुट के केस में OTM एंड ITM चेंज हो जाएंगे, ये आपको समझ आ गया है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो यहां पर आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर अगर हम मान के चल रहे हैं कि आप 20,300 का पुट ऑप्शन बाय करते हैं, तो ये क्या है, ये है एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, लेकिन टाइम वैल्यू 50 रुपीज है, तो आपको यहां पर 50 रुपीज देने होंगे। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि इस केस में इन द मनी ऑप्शन क्या होगा, वो होगा 20,400, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 20,400 से कम है, इसलिए ये इन द मनी ऑप्शन है। और ये कितना इन द मनी है, मार्केट अभी 20,300 चल रहा है और ये 20,400 है, तो ये 100 रुपए इन द मनी है, इसलिए यहां पर इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी 100 रुपीज। टाइम वैल्यू ऑलरेडी 50 रुपीज हम मान के चल रहे हैं, तो इस ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको 150 रुपीज देने होंगे। लेकिन इस केस में जो हमारा 20,000 है, जो कि हमारा टारगेट है, और हम मान के चल रहे हैं कि मार्केट इतना ज्यादा गिर जाएगा, वो क्या है, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में भी मैंने आपको बताया कि वहां पर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई जीरो, लेकिन यहां पर टाइम वैल्यू भी कम होती है, तो इसलिए ये हम मान के चल रहे हैं 20 रुपीज, तो आपको 20 रुपीज यहां पर भी देने होंगे। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं हुआ है तो पहले हमने डिटेल में बता रखा है, वहां से आप समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर आपने 20,400 यानी इन द मनी ऑप्शन को बाय किया होगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अगर आपने 20,400 को बाय किया होता जो कि इन द मनी ऑप्शन था, और जैसा आपने सोचा था कि मार्केट 20,000 पे जाकर एक्सपायर होगा और वैसा ही हुआ होता, तो देखिए 20,400 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 400 रुपीज, यानी जब ऑप्शन एक्सपायर होता वहां पर जो आपके ऑप्शन की वैल्यू होती वो होती 400 रुपीज, लेकिन इसको बाय करने के लिए आपने 150 रुपीज दिए होते, तो इस केस में आपको 250 का प्रॉफिट होता। अगर आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया होता, मार्केट 20,300 पे था और आपने 20,300 ही बाय कर लिया होता, तो
यहां पर आप 20,300 से 20,000 को माइनस कर दीजिए तो ये निकल कर आता है 300 रुपीज, यानी जब ऑप्शन एक्सपायर हुआ होता तो इसकी वैल्यू 300 रुपीज होती और इसको बाय करने के लिए आपने दिए होते 50 रुपीज, क्योंकि एट द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए इसको बाय करने के लिए आपने 50 रुपए दिए होते और यहां पर भी आपको 250 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इस केस में भी आपका जो टारगेट था 20,000, अगर आपने 20,000 का ही पुट ऑप्शन बाय कर लिया होता तो वो होता आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। लेकिन इस केस में इसको बाय करने के लिए आपने 20 रुपीज दिए होते और मार्केट 20,000 पे ही एक्सपायर हुआ है, तो 20,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 0 रुपीज, और इस केस में भी आपको 20 रुपीज का लॉस हो जाता। यानी चाहे आप पुट ऑप्शन ले लो या फिर आप कॉल ऑप्शन ले लो, अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेंगे और आपने जैसा सोचा था वैसा भी हो जाता है तो उस केस में भी आपको लॉस होगा, जबकि अगर आपने इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन बाय किया होगा तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज्यादातर केस में जो भी मार्केट चल रहा है आप उसी स्ट्राइक प्राइस पे अपना ट्रेड लीजिए, या फिर इन द मनी ट्रेड लेंगे तो और ज्यादा आप सेफ होके चल सकते हैं। बाकी ये आपके रिस्क टॉलरेंस और आपकी स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्राइक प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको जनरल तरीका बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और हां, जो मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बताई है वो प्लेलिस्ट आपको यहां पे नजर आ रही होगी, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।